रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालना चाहिए भारत से। मुझे नहीं लगता कि पॉइंट कहीं भी 1% भी गलत है। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी बातें करते हैं? मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। अभी ग्रेजुएशन कर चुकी जी। तो आपको कैसे मालूम हुआ है कि रोहिंग्या की मतलब उनको बहाना चाहिए या मतलब उनको ना रखना चाहिए, क्यों ऐसा आपको महसूस हो रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, जो रोहिंग्या जी आए हुए हैं, रोहिंग्या जो है उनको उनके देश से क्यों बाहर निकाला गया है? वो अपना ही देश छोड़ के भारत में क्यों आ रहे हैं? हम एक ऐसे लोगों को सहारा क्यों दें जिनको खुद के देश वालों ने ही बाहर निकाला हुआ है? कल को हमारे भारत में उन्हीं की वजह से कुछ हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा उसका? आप मुझे छोटा सा जवाब दे दीजिए कि कल को अगर भारत पे उन्हीं की वजह से कहीं हमला हो जाता है, टेरर अटैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कई लाखों करोड़ों सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी, तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? आज के टाइम पे जो राजनीतिक लोग हैं कुछ अपने वोट बैंकों के आड़ में आके उनको राशन कार्ड, उनको आधार कार्ड दे रहे हैं, उनको अपना वोट बैंक बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए मैडम, आपने देखा कि मेहमान के अंदर, बर्मा के अंदर जो एक अपने आम उभार इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को और महिला को इस तरीके से काटा गया, एक इंसानियत के तहत उनको यहाँ पर नहीं रखती है। देखो वही तो मैं कह रही हूँ कि आप ये बताओ ना पहले मुझे कि जो उनको उन्हीं के देश से निकाला गया है वो क्यों निकाला गया है? वो अपना ही देश छोड़ के भारत में क्यों आए हैं? क्या भारत ये एक ऐसी जगह है जो मतलब कहीं ना जगह मिले तो बस भारत में आ जाओ आप? लेकिन मैडम, ये भारत को तो एक मान्य राज्य कहा जाता है कि यहाँ सभी धर्म, सभी मजहब, सभी वैरायटी के लोग यहाँ रह सकते हैं। तो मतलब भारत में हिंदुओं को छोड़ के बाकी सारे धर्म के लोग रह ले? हमारे भारत में हिंदू कम, आज के टाइम पे मुसलमान और आतंक ज़्यादा है।